बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज ही की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी के अपार मेर से श्री परिक्रमा ग्रंथ का मनन शहूर कर रहे हैं। सतगुरु महाराज वाणी विशारद चशनी सम्राट आप श्री जोहरदास महाराज जी की टीका से। आज शोभा देखनी है घाट बाई तरफ नव देवी का। पाल ऊपर जो देहुरी बीच कठेड़ा सबन, ये बैठत शोभा लेत है, कहाँ कहूँ चुबा इन, कहाँ कहूँ चुबा इन। घाट बाई तरफ नव देवी का, घाट बाई तरफ का चौथे हिस्से तक ऊपर झुंड विराजिया अति शोभा गुजरत। झुंड के घाट के बाई ओर उत्तर दिशा में पाल के चौथे हिस्से में नवदेवी का घाट आया है। चांदनी पर नवदेवी को ही झुंड की उपमा दी गई। वहां पर शोभा शब्दातीत है, वर्णन करना संभव नहीं है। नीचे आठ स्तंभों की चांदनी पर ये देवरिया बनी है। नक्शे से देखते हैं, झुंड के घाट पे अपने को देखे, झुंड के घाट पे हैं प्रमुख ताल की ओर। तो देखेंगे इस तरफ है ना, ये नवदेवी का घाट। कोसर की दिशा का निर्धारण करते हैं इस सोलह देवी के घाट से। तो ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो यहाँ पे बाएं हाथ को लिखा गया, तो बाएं हाथ को कैसे होगा? हम इन मध्य चौक में खड़े हैं और यहां से जब दिशा का निर्धारण हो रहा है तो हमारे बाएं हाथ को नवदेवी का घाट है। झुंड के घाट से बाई ओर चलेंगे तो इन दिशा में यहां पर, यहाँ पे नवदेवी का घाट। घाट बाई तरफ का चौथे हिस्से तक ऊपर झुंड विराजिया अति शोभा गुजरत। झुंड के घाट की बाई ओर उत्तर दिशा कहें, अगर हम सोलह देवी के घाट से लेते हैं तो उत्तर दिशा पाल के चौथे भाग में नवदेवी का घाट है। चांदनी पर नवदेवी को ही झुंड की उपमा दी गई। वहां की शोभा शब्दातीत है, वर्णन करना संभव नहीं है। आठ स्तंभों की चांदनी पर ये नौ देवियां बनी हैं। ऊपर बनी नौ देवी फिरते आए तले आठ स्तंभ, अद्भुत बनिया है कठेड़ा ये बैठक अति अच्छा। पाल के ऊपर 750 का नहीं, 500 बाई 250 मंदिर का एक चबूतरा है। यहाँ शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। पाल के ऊपर 500 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का एक चबूतरा है। उसके किनार पर आठ स्तंभ है, उनके ऊपर छत है और उसके ऊपर नव देवरी है। चबूतरे के स्तंभों के मध्य कठेड़ा है, द्वार को छोड़कर यहाँ की शोभा अद्भुत है। ये देखें, वन रोज पार करी, तीन सीढ़ी चढ़ के आ गए ढलकती पाल। ढलकती पाल के पहले हिस्से में इन स्थान पर कोई शोभा नहीं। दूसरे हिस्से में वृक्षों की दोहार, इनको पार किया। तीसरे हिस्से में संक्रमक सीढ़ियां चढ़ी। संक्रमक सीढ़ियां चढ़ते ही इन हांस में, ये जो 500 मंदिर का हांस है, उतनी ही चौड़ाई लिए और पहला हिस्सा जो 250 मंदिर का है उतनी ही चौड़ाई लिए। यहाँ पर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। तीन तरफ पाल पर सीढ़ियां उतरी और एक तरफ देखो संकमक सीढ़ियों पर ही ये सीढ़ियां उतरती थी।
अब यहाँ पे चार कोनों में और चार दिशा में चार खंभों की शोभा। अब इन छत के ऊपर नवधेहरी वो नवधेहरी भी देखते हैं महाराज श्री जी कैसे बता रहे। चारों कोनों के थंभ, चारों दिशाओं के थंभ, उन पर आगे ध्योरी और एक ध्योरी ठीक मध्य में आ गई। कलश ध्वजा बताकर इस तरह से सुंदर शोभा नवधेहरी के घाट की। खड़े दृश्य से देखते हैं, ये देखिए संक्रमित सीढ़ियां चढ़ते ही पहले हिस्से में 250 मंदिर की चौड़ाई, 500 मंदिर की लंबाई, तीन तरफ सीढ़ियां उतरती हुई और एक तरफ सीढ़ी संक्रमक सीढ़ियों पे। चारों कोनों के थंभों पर देहोरी, चारों दिशाओं पर देहोरी और एक देहोरी मध्य। ऊपर बनी नव देहोरी, फिरते आए तले आठ थम, अद्भुत बने हैं ये कठेड़ा, ये बैठक अति अच्छा। ये वाली चपाई हुई, आगे चपाई है उतरती दोए देहोरी, तीन तले दोए चबूत, बीच उतरती सीढ़ियां, तले चौक पानी भीतर। इस घाट में भी दोनों देहोरियों के मध्य सीढ़ी उतरी है। इन घाट में भी अर्थात झुंड के घाट में हम ये शोभा देख चुके हैं। उसके नीचे दाएं बाएं दोनों ओर दो चबूतरे हैं, उनके मध्य से सीढ़ी उतरकर जल के अंदर चबूतरे पर जाती है। उतरती दोए देहोरी, तीन तले दोए चबूतर, बीच उतरती सीढ़ियां, तले चौक पानी भीतर। इन शोभा को देखते हैं, ये देखिए यहां से हम चले तो ये दो देहोरी और मध्य में 250 मंदिर की जगह में सीढ़ी उतरती हुई। अब जब सीढ़ी उतर के जब हम इन चबूतरे पर आए तो इन दोहरियों के आगे तो चबूतरा और बीच की जो चौक पे जो छत आ जाती है वहां पे सीढ़ी उतरती हुई और इन सीढ़ी से उतर के ताल रोज पे आए आगे जल चबूतरे पे। महाराज शिव जी के प्रदर्शन से अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो पूरी गिनती का हिसाब भी क्लियर होगा। अब ये देखो अपना ये जो उत्तर हांस है उत्तर हांस को नवदेहरी के घाट ने कवर कर लिया। अब इन देहोर नवदेहरी के इन चबूतरे से तीन सीढ़ी उतरकर थंभों के मध्य कठेड़ा है द्वारों की जगह छोड़कर, तो यहाँ पे द्वार, वहां से तीन सीढ़ी उतरकर हमने 250 मंदिर पार किए तो दाएं बाएं देहोरी और ठीक मध्य 250 मंदिर में सीढ़ियां। तो 250 मंदिर में सीढ़ियां और दाएं बाएं 125 मंदिर देहोरी का हिस्सा बिल्कुल इस चबूतरे के सामने आया और 125 मंदिर का हिस्सा अन्य जो पास में लगते हाथ से वहां से लेकर। अब इन दोहरियों के बीच में ये देखो सीढ़ी उतर रही है। अब इन देहोरी के आगे भी यहाँ चबूतरा है तले, इनके तले भी चबूतरा है और इन सीढ़ियों के आगे भी चबूतरा है और उन चबूतरे की छत पे हम देखेंगे 250 बाई 750 मंदिर का चौक। अब जब हम इसके तले पहुंचेंगे तो भीतर की तरफ अपने को तीन मेहराबे मिलेगी। मध्य की मेहराब में सीढ़ी उतरती हुई, दाएं बाएं की मेहराब में अपने को पाल अंदर मोलातो जाने की जगह। और इधर देखिए महाराज ने कैसे देखो एक दो तीन चार, ना यहाँ पर चार के मध्य तीन द्वार इधर की तरफ भी अपने को मिलेंगे। यहां से तीन सीढ़ी उतर के ताल रोज पे आइए, फिर यहां से तीन सीढ़ी उतर के चल चबूतरे पर आइए। तो उन शोभा का वर्णन ठीक ऐसी ही शोभा हमने झुंड के घाट में देखी। उतरती दोए देहोरी, तीन तले दोए चबूतर, बीच उतरती सीढ़ियां, तले चौक पानी भीतर। इस घाट में भी दोनों देहोरियों के मध्य घाट की विशाल रत्नों जड़ी सीढ़ियां, उनके नीचे दाएं बाएं दोनों ओर दो चबूतर, उनके मध्य से सीढ़ी उतरकर उन चबूतरे को पार करेंगे, तीन सीढ़ी उतरेंगे जल रोज को पार करेंगे, फिर तीन सीढ़ी उतरकर हम जल चबूतरे पर आएंगे। आगे छपाई है पेड़ कहूं इनका बेवरा, जो जाहिर सबो समझाए,
कहो इन भांत सो जो मोमिनो हृदय समाए। एक बार पूरा नवदेह के घाट का वर्णन हो गया कि हम इन नक्शे से देखते हैं कि हम रंगमहल की तरफ से आए। रंगमहल की दक्षिण दिशा से सीधा हम पहुंच जाए भोज कोसल की उत्तर हास में। सबसे पहले हमने कुंज निकुंज की जमीन से 3 सीढ़ी चढ़कर वन रोज पे आई। वृक्षों की 2 हारों के मध्य से होते हुए वन रोज के पहले 2 हिस्से पार किए। उन 500 मंदिर में वृक्षों की हारे आई हैं हास के मध्य भाग में और हास के कोने पर भी। अब यहां से आगे जब आएंगे तो इन 250 मंदिर की जगह पर वन नहीं, लेकिन हम ऊपर नजर करते हैं तो वृक्षों की एकल छाया है। यहां से 3 सीढ़ी चढ़ के हम ढलकती पाल पर आ गए। इन हिस्से में हमने पश्चिम दिशा में देखा था 2 देहुरियां आई हैं और वन रोज पे 2 चबूतरे आए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई शोभा का वर्णन नहीं है। तो यहाँ पर भी खुला स्थान और नजर ऊपर करते हैं तो वृक्षों की एकल छाया रत्नों जड़ित फूलों जड़ित नगों से झिल मिलाती अति सुंदर छाया। सखियां वहां पर हैं तो उनका प्रतिबिंब भी उन एक एक पत्ती एक एक फूल में झिल मिलाता हुआ। नजर ऊपर करके अपना ही प्रतिबिंब देखना कितना उल्लासित करता होगा रूह को। इन हिस्से को पार किया, धलकती पाल के दूसरे हिस्से में आए तो यहाँ पर वृक्षों की 2 हारे बड़ो वन के ये वृक्ष हास के मध्य भाग में आए हैं। तने इनके कैसे रत्नों से जड़ित एक एक फूल एक एक पत्ती एक एक फल और इनकी मेहराबों में विशाल हिंडोले, कहीं बैठ के झूलने वाले कहीं लेट कर कहीं खड़े होकर, और एक एक हिंडोले में संपूर्ण मिलावा झूलता हुआ। अब ढलकती पाल का तीसरा हिस्सा, संक्रमक सीढ़ियां, वो चढ़ती सीढ़ियां जो चौरस पाल के ले जा रही है। अति सुंदर फूलों की किलम, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, नजर ऊपर करो, फूलों का एकल छाया चल रही है। कुछ कोसर में ये शोभा है, जल चबूतरे तक आपके ऊपर एकल शमियाना एकल चंद्रमा शीतल छाया। पशु पक्षी भी आपके साथ चढ़ते हुए गुनगुनाते हुए बाजंत्र बजाते हुए, आप जैसे ही ऊपर चढ़े तो इन उत्तर हास में नवदेवी के घाट की शोभा। 500 मंदिर की लंबाई हास के साथ साथ उत्तर दिशा के हास को कवर करती हुई और पहले हिस्से की चौड़ाई 250 मन की कमर भर ऊंचा चबूतरा था। अभी आगे वर्णन आ जाएगा कि चारों कोनों में चारों दिशाओं में जो थंब बताए गए वो वृक्ष है, वृक्षों का पसारा है। घेर कर जो वृक्ष 500 500 मंदिर के अंतर पर आ रहे थे, यहाँ पर वृक्ष इस तरह से हम देखते हैं पूर्व से पश्चिम तो 250 250 मंदिर के अंतर पर, और ये देखते हैं हम इस तरह से उत्तर से दक्षिण तो यहाँ पर 125 125 मंदिर के अंतर पर वृक्ष। तो यहाँ पर वृक्षों का झुंड हुआ। हम चबूतरे पर हैं, चारों कोनों पर वृक्ष, चारों दिशाओं में वृक्ष। कोने के वृक्ष की शोभा हम ले गई जैसे हमने झुंड के घाट में देखी थी, अगर वैसी शोभा लेते हैं कि कुछ हद तक दोनों तरफ उन तने का पसारा, दीवाल ना भी कहें लेकिन कुछ हद तक, और बीच वाला वृक्ष उसका पसारा, चारों दिशाओं में उतरती सीढ़ियां, संक्रमक सीढ़ियों की तरफ बड़ी बड़ी मेहराबे 250 मंदिर की फूलों की, ताल की तरफ भी बड़ी बड़ी मेहराबे, लेकिन चौरस पाल पे जो मेहराबे खुल रही हैं वो 125 125 मंदिर की दूरी पर, क्योंकि यहाँ 250 मंदिर के अंतर पर 3 वृक्ष आ गए। चारों तरफ फूलों से रत्नों से जड़े सीढ़ियां उतरती हुई। अब इन चबूतरे पर सुंदर बैठ के इन थंबों से इन वृक्षों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए तो सुंदर देहरियों की शोभा, फूलों की बनी हुई अति सुंदर देहरिया,
उन एक एक द्योरी में भी सुंदर बैठक एक द्योरी ठीक मध्य। आठों वृक्षों के ऊपर द्योरी और एक द्योरी मध्य में और सुंदर बैठन के स्थान। और ये जो वृक्ष है भूम दर भूम पांच भूम छठी चांदनी गए हैं, तो भूम दर भूम इनकी पांच भूम छठी चांदनी, लेकिन देहोरिया दूसरी ही छात पे आ गई। अब यहां से हम आगे चले 250 मंदिर, ऊपर वृक्षों की एकल छाया है, फिर दो देहोरिया, जैसे एक एक देहोरी अति सुंदर शोभा से झिलमिलाती और दोनों देहोरियों के मध्य घाट की विशाल सीढ़ियां। सीढ़ियां उतर के हम तले इन चबूतरे पर पहुंचे, 250 मंदिर की चौड़ी, 750 मंदिर की लंबे। आगे यहाँ पे तीन मेहराबे, उन तीन मेहराबों से तीन सीढ़ी उतरे, ताल रोज को पार किया, आगे तीन सीढ़ी उतर के हम जल चबूतरे पर आए। जल चबूतरे पर भी है नजर ऊपर करेंगे तो दो भूम ऊपर वृक्षों की एकल छाया और यहाँ आके झीलना। तो इस तरह से अपने को नवदेवी के घाट की सुंदर शोभा का वर्णन किया। अब इस शोभा को कह रहे हैं कि अब उन्हें इस घाट का विवरण देते हैं जिससे सबको ज्ञान हो जाए। अब इसका वर्णन एक दूसरे अंदाज में, दूसरे तरीके से कि इच्छा महामती जी की मेरे साथ के दिल में वो शोभा दृढ़ हो जाए। अब मैं इस प्रकार कहूंगा कि शोभा ब्रह्मात्माओं के हृदय में आ जाए। अब कहूँ इन भांसों जो मोमिनों हृदय समाए, पेड़ चार चारों तरफ छाया शोभा लेप अतल, हार किनार बराबर इत ज्यादा दो दर्पण, इत ज्यादा दो दर्पण। चबूतरे पर चारों दिशाओं में अति सुंदर छाया वाले चार खंभे यानी पेड़ों का वर्णन है। जुगलदास महाराज जी, परमहंस महाराज श्री जुगलदास महाराज जी अपनी बड़ी वृत्ति में क्लियर वर्णन कर देते हैं कि यहाँ पर वृक्षों का ही पसारा है। चबूतरे के दो थंब उत्तर दक्षिण वृक्षों की हार कतार के बराबर है और पूर्व पश्चिम के थंब हार कतार से अधिक है। यहाँ पर दो वृक्ष ज्यादा आ जाते हैं, हार किनार बराबर इत ज्यादा दो दर्पण। ये देखिए, अब हम देखिए ये जो वृक्ष है, ये जो ठीक मध्य में वृक्ष आए हैं उत्तर और ये दक्षिण तरफ जो मध्य में वृक्ष आए हैं, इन वृक्षों ने तो आना ही था 500 मंदिर की दूरी पर, इन्होंने आना ही था, तो यहाँ पर ये दो दरखत ज्यादा हो गए, है ना, ये दो दरखत ज्यादा हो गए। तो इधर से भी हम देखते हैं तो ये दरखत ज्यादा है, यहाँ पर दरखत बढ़ जाते हैं, है ना, यहाँ पर वृक्षों की शोभा बढ़ जाती है। अगर हम इस नक्शे से देखें कि सिर्फ इन दो वृक्षों ने अपने स्थान पे आना था और झुटकी घाट के हिसाब से ले में तो चलो इन इन वृक्षों ने भी आना था कि 250 मंदिर के अंतर पर ये वृक्ष भी आ गए, कि जैसे झुटकी घाट में शोभा ये भी आ गए, लेकिन ये दो दरखत तो यहाँ पर एक्स्ट्रा हुए ना, तो इत ज्यादा दो दरखत हार किनार बराबर। हम झुंडके घाट से इसको कंपेयर करें कि वह 250-250 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आ गए, तो ये वृक्ष और ये वृक्ष तो 250-250 मंदिर के अंतर पर आ गए, इधर भी 250-250 मंदिर के अंतर पर आ गए और ये दो वृक्ष ज्यादा है। कुल मिला के हम शोभा यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दो वृक्षों ने आना था, हांस के मध्य भाग में वृक्ष आ रहे, इन दो वृक्षों ने आना था, लेकिन यहाँ पर ये देखिए ये दो वृक्ष 250 मंदिर के अंतर पर आ गए और ये वृक्ष तो 125 मंदिर के अंतर पर ही आ गया, तो वृक्षों का झुंड हो गया, तो एक तरह से ये भी झुंड का घाट हुआ। घेर कर हम देखते हैं तो वृक्ष से वृक्ष 500 मंदिर की दूरी पर, इस तरह से हम देखते हैं 250 मंदिर की दूरी पर, तो यहाँ पर वृक्ष नजदीक आ गए, वृक्षों का झुंड हो गया। पेड़ चार चारों तरफ छाया शोभा लेत अतंत, हार किनार बराबर इत ज्यादा दो दरखत, यहाँ पर दरखत ज्यादा आए हैं। नव चौकी का मोहल जो ए बड़ी ठोड़ बीच पाल, चौथा हिस्सा पाल का हुई देहोरी आगू परशाल।
8 थंबों के ऊपर 9 चौक बने हैं, जिसमें नव देहरी शोभा ले रही है। पाल के मध्य नव देहरी की बड़ी शोभा है। पाल के चौथे भाग में स्थित इस भवन के आगे खुला स्थान और आगे देवरिया है। अब इस नव देहरी के घाट को एक सुंदर माहौल माफक वर्णित करते हुए कि संक्रमण सीढ़ियां चढ़ते ही जब हम इन स्थान पर आए तो कमर भर ऊंचा ये स्थान 500 मंदिर की लंबाई 250 मंदिर की चौड़ाई चारों कोनों में चारों दिशाओं में दरखत वृक्षों की शोभा। और वो वृक्ष भी कैसे हैं मोहलात माफक, उनमें भी द्वार होंगे, उनमें भी छज्जे होंगे, कोख होंगे, फूलों के अति सुंदर द्वार। उन एक एक वृक्ष पे अद्भुत चित्रामन जैसे कि थंबों पर होता है, तो एक एक वृक्ष पर अद्भुत चित्रामन, जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षी। जब आप शेरा जी श्यामा जी इन चबूतरे पे कदम धरते हैं तो तली गिलम और कोमल होती हुई ऊपर शीतल चंद्रमा और थंबों में आई जवेरों की पुतलियां, उनका नृत्य, उनकी वाद्यंत्र, उनका उन थंबों से निकलकर आना, धनी का स्वागत करना, उनको मनोहार करना कि आइए विराजिए, वाजंत्र बज रहे हैं, गीत गुनगुनाए जा रहे हैं, कैसे सुंदर समा, एक सुंदर मोहलात बनती हुई पाल के ऊपर। अब इनमें से किसी भी एक थंब से ऊपर जाने का विचार लिया तो सामने सीढ़ियां झलकती हुई फूलों की अति सुंदर सुगंधित सीढ़ियां। उन सीढ़ियों से हम आ गए दूसरी तरफ। यहाँ पर इन नौ जो वृक्ष आए, 8 जो वृक्ष आए, ये जो अपने वृक्ष आए, तीन ऐसे देखे, तीन हम ऐसे देखे, तो इन वृक्षों के ऊपर नौ देहोरियां बनती हुई, ये महाराज जी के नक्शे से ये देखते हैं, नव देहोरी, ये देखिए ये नौ देहोरियां बनती हुई, चारों कोनों के वृक्षों के ऊपर देहोरी, चारों दिशाओं पर देहोरी और एक देहोरी मध्य। अब एक एक देहोरी भी तो मोहलाद की तरह, कैसे चारों दिशाओं में थम ऊपर मेहराबे छत कलश ध्वजा पताका, नव देहोरी मानो नौ रंगों से सजी, एक एक देहोरी से उठती जोत, एक एक ज्योति में विध विध की सुंदर बैठकी सिंहासन कुर्सियां और वृक्षों की ये जो देवरिया आई फूलों की, इनकी कलश ध्वजा पताका, और नजर ऊपर करेगी तो वृक्षों की एकल छाया, क्योंकि इन वृक्षों ने भूम दर भूम पांच भूम छठी चांदनी तो ली है। तो अति मोहलात माफक हो गई ना ये शोभा, एक सुंदर माहौल हो गया पाल के ऊपर। तुम शोभा का वर्णन कि नव चौकी का माहौल जो जहां पर नौ देहरी आई है, वो जो माहौल है ये बहुत बड़ी जगह है पाल के ऊपर, चौथा हिस्सा पाल का चौथा हिस्सा ये कवर करती हुई हुई देहरी आगो प्रसार। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो इन थंबू की दो हारे प्रसार को पार करते हैं, फिर दो देहरी दो देहरियों के मध्य घाट की सीढ़ी, घाट की सीढ़ी उतरकर इन चबूतरे पर आना, आगे जल चबूतरे पर जाना। पाल के चौथे भाग में स्थित इस भवन के आगे खुला स्थान, वहां पे खुला स्थान घेर कर जहां पड़शाल आई है, इन स्थान पे खुला स्थान, क्योंकि इन स्थान पर कोई वृक्ष नहीं आया, वृक्ष यहाँ आने चाहिए थे ना बिल्कुल बीच में दो, लेकिन इन स्थान पर कोई वृक्ष नहीं आया। ये देखिए ये वृक्ष, जैसे ये हांस के मध्य भाग में ये जो वृक्ष आ रहे हैं, ये वृक्ष यहाँ पर भी आना चाहिए था, लेकिन एक वृक्ष ही यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर नहीं आया। तो इन घाट के अगर खुला स्थान, फिर देहोरिया, फिर उतरती सीढ़ियां, उनका वर्णन। इत्थे उतरती सीढ़ियां दाएं बाएं द्यो देहोरी हुए तीनों चौक बराबर, सीढ़ियां इत्थे तले उतरी। नवदेवी का घाट आगे पड़शाल,
परछाल के आगे सीढ़ियां उतरती हैं, दाएं बाएं दो देहरियां हैं। दो चौक दो देहरियों के एक चौक सीढ़ी का, दोनों के मध्य जो काया है, तीनों समान है और यहीं से जल की ओर सीढ़ियां उतरी हैं। अब यहां देखें, इन परछाल को पार किया दो देहरी, दो देहरियों के बीच में यहाँ थोड़ी जगह लंबी दिखा रखी है, पर जितनी ये देहरी है उतनी ही सीढ़ियां हैं। 250 मंदिर में, 250 मंदिर में सीढ़ियां उतरी। अब इन देहरी के आगे भी यहाँ चौक आएगा और इन सीढ़ी के आगे भी यहाँ चौक आएगा। इसको महाराज जी के नक्शे से देखते हैं या थोड़ा सा सही नहीं? ये देखिए, यहाँ पर नवदेहरी का इस स्थान पर, इस जगह अपना मैं निशान लगा देती हूँ। उत्तर दिशा के इन हास पर, इन स्थान पर हम चौरस पाल पे देखते हैं तो नवदेहरी का घाट है। अब ये जो दो जगह हो गई, ये जगह ये हो गई परशा। अब यहां पर ये ध्योरी इतनी जगह इस तरफ से, इतनी जगह इस तरफ से लेकर इधर ध्योरी बनी और ये इधर ध्योरी बनी। अब इन दोनों के बीच में से सीढ़ियां उतरती हुई, इन स्थान से सीढ़ियां उतरेगी, ठीक है, यहां तक सीढ़ियां उतरेगी। अब इन ध्योरी के आगे ये चौक, इन ध्योरी के आगे तले ये चौक और इन सीढ़ियों के आगे चौक, तो ये 250 मंदिर का चौड़ा 750 मंदिर का लंबा एक चौक हो गया। अब इन चौक में है, नजर भीतर की तरफ करते हैं तो मध्य मेहराब से तो सीढ़ी उतरती हुई, ये बड़ी मेहराब खुली नजर आएगी और ये मेहराबे हमको अक्षी नजर आएंगी। इनमें 125 मंदिर का दरवाजा, उन दरवाजे को पार करेंगे, आगे एक गली पार करेंगे और पालंदर मौलातों में जाएंगे। तो ये तो हो गया भीतर का। इधर की तरफ देखते हैं तो तीन बड़ी मेहराबें और इन तीनों से तीन तीन सीढ़ियां उतरती हुई, यहां से सीढ़ी उतर के इन जल रोंस को पार करना आगे जल चबूतरे पर। और इन चौक में है, दाएं बाएं नजर करेंगे तो ये अक्षी मेहराबे, इन मेहराबों से कहीं जा नहीं सकते क्योंकि इधर कटीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं। तो यहाँ पर एक सुंदर मेहराब, उनके मध्य सुंदर चित्रामण। तो ये शोभा को यहां से देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ी सी नक्शे की गलती को हम ना देखें, हम इन मेहराबों को ना देखें। ये जो दो मेहराब है, ये तो माने हम इन देहरियों के सामने, कि इन देहरी के सामने का चौक हो गया, ये इन देहरी के सामने का चौक हो गया और ये चौक हो गया इन सीढ़ी के सामने का। तो जल तरफ तो ऐसी तीन मेहराबे, भीतर की तरफ भी तीन मेहराबे हैं, मध्य की मेहराब खुली है उनसे सीढ़ियां उतर रही हैं और दाएं बाएं की मेहराब अक्षी है, उनके भीतर जाते हैं तो हम पालंदर मौलातों में जाते हैं। इस तरह से परशाल के आगे सीढ़ियां उतरती हैं जिनके दाएं बाएं दो देहरियां हैं, दो चौक दो देहरी के एक चौक दोनों के मध्य, इस प्रकार तीनों चौक समान है और यहीं से जल की ओर सीढ़ियां हैं। देहोरी तले जो चबूतरे, चौक दूजा यही बराबर, जल ऊपर जो चबूतरा आई सीढ़ी इन उतर। दोनों देहोरियों की चबूतरे के मध्य 250 मंदिर का चौक हुआ जहां सीढ़ियां उतर रही हैं, जो इन दोनों चबूतरों के मध्य शोभा ले रहा है। अब यहां से सीढ़ियां जो घेर कर 500 मंदिर की जल रोसाई है उस पर उतरी है। ये 500 मंदिर की जल रोस अब यहां से सीढ़ी यहां पर उतरी है। अब घाट छोड़ आगे चले, क्यों कहूं खूबी एक छाया सब पाल पर और छाया पाल से उतरती चे। अब नवदेहरी के घाट को छोड़कर 16 देहरी के घाट की ओर बढ़ती है, उनकी शोभा अवर्णनीय है। पाल से ढलकती पाल की ओर जो सीढ़ियां उतरी हैं, इन वृक्षों की छत ढलकती पाल के वृक्षों से मिली है, किनार पर स्थित वृक्षों की छाया पाल पर समान रूप से छाई हुई है। अब घाट छोड़ आगे चले,
अब हम नव देवी के घाट से चले 16 देवी के घाट की ओर। तो वो शोभा का वर्णन, एक छाया सब पाल पर छाल पर एक कल पाया, जो पाल है उन पर एक कल छाया है। पाल पर आए बड़ो वन के वृक्षों ने ढलकती पाल के वृक्षों से मिलान किया है। ढलकती पाल के वृक्षों ने पुखराजी रोज से मिलान किया है। पुखराजी रोज ने कुंज निकुंज से मिलान किया है। और जल तरफ की जो वृक्षों की हार है, वो देहोरियों से ढलकती पाल से जल रोज के ऊपर से होते हुए जल चबूतरे तक छाया करती है। तो एकल पाल छाया बिल्कुल पाल के ऊपर, और हार दो उतरती लगती तीसरे तले वन, इनविद पेड़ बराबर गिरदवाई सवन। चौरस पाल के नीचे ढलकती पाल पर वृक्षों की दो पंक्तियां आई हैं। तीसरी पंक्ति इनके साथ लगकर पाल के ऊपर आई है। नीचे बड़ो वन की वृक्षों की दो पंक्तियां चारों ओर घूमी है। तो वृक्षों की शोभा का बताते हुए कि यहां से देखिए हमारा शिव जी के प्रदर्शन से, ये देखिए पहले यहां देखिए पुखराजी रोज पर वृक्ष से वृक्ष का अंतर 500 मंदिर, लेकिन ऐसे हार कतार में देख रहे हैं तो 250 मंदिर। तो यहाँ हाँस के मध्य भाग में भी वृक्ष आए और हाँस के कोने में भी आए। लेकिन जब चौरस जो हम कहते हैं ढलकती पाल और चौरस पाल पर वृक्षों की पांच हारे, जो बड़ोवन पर बड़ोवन की पांच हारे कोश कोसर को घेर कर आई हैं, वो हारे हाँस के मध्य भाग में आई। ये देखो दोरी बंद बराबर, ये ढलकती पाल पर वृक्षों की दो हारे, यहाँ से भूभर की सीढ़ी चढ़े तो यहाँ वृक्षों की तीन हारे। तो ये हारे दोरी बंद आई है साम सामी शोभा लेती हुई। इन वृक्ष का मिलान इन वृक्ष से हुआ है, इनका इनसे, इनका इधर से, और फिर ये वृक्ष आपस में मिलान करते हुए ये वृक्ष इन देहोरी कटिपाल जल रोज से उलगते हुए जल चबूतरे तक छाया करते हैं। तो कैसे हाँस के मध्य भाग में आई ये वृक्ष और इनकी मेहराबों में हिंडोलों की शोभा। और हार दो उतरती लगती तीसरी तले वन, इनविद पेड़ बराबर गिरदवाई सवन। चौरस पाल पर वृक्षों की तीन हारे, ढलकती पाल पर वृक्षों की दो हारे। इनविद पेड़ बराबर साम सामी शोभा, दो हारे ढलकती पाल पर करें तीसरी चौथी पांचवी हार चौरस पाल पर। तो घेर कर बड़ो वन की वृक्ष, ये वृक्ष वही है जो लाल चबूतरे के सन्मुख बड़ो वन से निकलते हैं और कैसे केल वन से होते हुए यमुना जी की पाल से होते हुए बट पीपल की चोटी के दक्षिण से फिर अनवन में फूलते हैं और उसी वक्त ये होशपोषण की पाल पर भी आते हैं। डारी लटकी जल पर पेड़ गृद देहुरी हार, और पेड़ डारो डारी मिली यूं फिरती पाल किनार। पूर्व तरफ चौरस पाल के वृक्षों की झाखें जल तक चुकी है। ड्योरी के साथ साथ वृक्ष भी चारों ओर पंक्ति बताए हैं। इन वृक्षों की डालियां परस्पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और पाल के किनार पर 124 छोटी ड्योरियां भी आई हैं, उनके ऊपर भी वृक्षों की हारे हैं। अब फिर इसका वर्णन कि इन वृक्षों की छाया में ये जो पांच वृक्ष आए आपस में एक रूप मिलान कर लिया। इनकी तनों ने, इनकी डालियों ने, फूलों ने, पत्तियों ने एकल चंद्रमा, उन चंद्रमा की शोभा देखी, कैसे फूलों से, नभों से, जवाहरातों से चली। अब ये वृक्षों की एकल छाया कितनी आगे बढ़ती है देखिए। पहले ये 250 मंदिर, ये चौरस पाल के तीसरे हिस्से को लगती है इन देहुरी को, फिर ये ढलकती पाल के तीसरे और चौथे हिस्से के ऊपर से, यानी 500 मंदिर तो चौरस पाल के ऊपर से ही आती है। ये वृक्ष की हार जब आगे बढ़ती है तो ये तीसरा और ये चौथा हिस्सा, तीसरे हिस्से में देहुरी कटिपाल की सीढ़ियां, इन दोनों के ऊपर से वृक्षों का छत्री मंडल जा रहा है भूम पर ऊंचाई पर यहां से। और फिर ये जो 500 मंदिर की जल रोस है, इनके ऊपर से भी वृक्षों का छत्री मंडल आगे बढ़ रहा है। और फिर 125 मंदिर जल चबूतरे पर,
तो 500 मंदिर चौरस पाल पर, 500 मंदिर जल रौ, 125 मंदिर जल चबूतरा, 125 मंदिर आगे बढ़ते हैं और जल चबूतरे पर भूम दर भूम इन वृक्षों की डालियां लटकती हैं। उन वृक्षों का शीतल चंद्रमा, वो फल फूल डालियां लटकती हुई जल पर कैसे सुंदर प्रिय लगती हैं। उस सुंदर वृक्षों की शीतल छांव आगे बढ़कर जल चबूतरे तक। चौपाई दोहराते हैं। डारी लटकी जल पर, पेड़ गृद देहुरी हार, और पेड़ डारो डारी मिली, यूं फिरती पार किनार, यूं फिरती पार किनार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय।